Hi everyone, this is choreographer Ganesh Shivarkar on this side and you are watching my GHTV YouTube channel, The Bollywood Latest Updates. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे साथ देने के लिए, मेरे चैनल्स देखने के लिए, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो सच्ची खबर हो आपके पास पहुँचाऊँ, बॉलीवुड से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, जो भी हो, सच बताना मेरा काम है और आपको सच सुन के सच के ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। चलिए बॉलीवुड की लेटेस्ट 5 खबरें मैं आपको बताऊंगा जल्द से जल्द। 83 फिल्म रणवीर सिंह की आने वाली थी, जिसके काफ़ी सारी मेहनत की है रणवीर सिंह ने, कपिल देव ने परमिशन दी थी, और ये फिल्म के लिए पता चला है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं से लीक हुई है, सोशल मीडिया पे गई है, कई सारे प्लेटफॉर्म पे गई है और इसकी पायरेसी हुई है, और इस वजह से 83 फिल्म को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है इनकी बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स का और 83 फिल्म में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सब का। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि पायरेसी हो या कुछ भी हो, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिल्म में सिर्फ प्रोड्यूसर्स और एक्टर काम नहीं करते, बहुत सारे लाइट मैन, स्टंट मैन, एक्शन डायरेक्टर, डांसर्स, बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये बहुत लोगों की रोजी रोटी की बात होती है। लेकिन अगर आपको फिल्म नहीं देखनी है तो आपको बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अगर देखनी है तो प्रॉपर हिसाब से ही देखनी चाहिए, OTT प्लेटफॉर्म है या थिएटर है, या फिर इंतज़ार करना चाहिए TV पे आने का, क्योंकि फिल्म बनती मेहनत से है। आपको नहीं देखना है तो बिल्कुल आप नहीं देख सकते, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर देखना है तो मेरे हिसाब से इल्लीगली कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो फिल्म हो या कोई भी चीज़ हो। इनफैक्ट ब्लैक टिकट भी नहीं खरीदना चाहिए, भले इनसे बॉलीवुड वालों का या किसी और का फ़ायदा होता हो, लेकिन नहीं, ब्लैक टिकट भी नहीं खरीदना चाहिए, मैं यही कहता हूँ। इल्लीगल काम नहीं होना चाहिए, वो बॉलीवुड से हो या किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। यस, द नेक्स्ट थिंग दैट सुशांत सिंह राजपूत का एक चीज़ थी, एक रियलिटी शो में सुशांत गया था, जहाँ पे किसी माँ के ऊपर किसी कंटेस्टेंट ने ट्रिब्यूट दिया था, उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था वो, क्योंकि ये बात सच है कि सुशांत हमेशा अपनी माँ को मिस करता था। मेरे साथ भी जब उसकी पहली बार बात हुई थी, तो कुछ ऐसे टॉपिक निकली थी जो उसके बाद वो तो घर चला गया था, कि माँ से रिलेटेड कुछ टॉपिक निकली थी, और उसी के दोस्त ने, जिसके घर पर वो रहता था, उसने बताया था कि अरे सुशांत की मम्मी नहीं है, क्योंकि मैं 2005 में उसके बाद 6 में मिला था, 6 एंड में, तो 2002 में उसकी माँ की शायद डेथ हुई है। फिर उसके बाद मुझे भी काफ़ी बुरा लगा कि लेकिन मुझे पता ही नहीं था, तो ठीक है अगले दिन सॉरी कहा, लेकिन बात है वो ही इज़ वेरी इमोशनल अबाउट हिज मॉम, और ये हुआ था एक रियलिटी शो के थ्रू। एक अच्छे इंसान की पहचान यही होती है कि अगर वो प्यार करता है तो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा करता है। आई होप सो, मैंने जितना जाना है उसके बारे में। यस, एंड आर्यन खान केस के बाद शाहरुख खान वापस से अपने सेट पे आ गए हैं और अपने काम पे वापस लग गए हैं। आर्यन खान केस पूरा तरह नॉर्मल हो गया है मेरे हिसाब से, समीर वानखेड़े साहब को भी अलग से बेगुनाह साबित कर दिया है, आर्यन खान को भी बेगुनाह साबित कर दिया है, तो इतना जो चल रहा था 1-1.5 महीना, इनसे किसका नुकसान हुआ और किसके फ़ायदा हुआ, ये आप अपनी बुद्धि लगा के, अपना दिमाग लगा के सोच सकते हैं। चौथी न्यूज़ ये है कि यस, एकता कपूर को लॉस हुआ है, किस वजह से हुआ है ये कुछ क्लियर नहीं हुआ है। OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में तो चल रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे सीरियल भी चल रही है, टेलीविज़न पे भी सीरियलें चल रहे हैं, लेकिन कहाँ से लॉस हुआ, क्या हुआ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर हुआ भी है या नहीं हुआ है इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन डिजिटल मीडिया पे ये खबर आई है कि लॉस हुआ है। अब इसका पुख्ता करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर पुख्ता नहीं है तो मैं ये भी बताऊंगा कि सही है या नहीं है। 10, यस, कॉफ़ी विद करण में एक बार अनिल कपूर को करण जौहर ने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी लेडी है जिसकी वजह से आप अपनी वाइफ को छोड़ सकते हो, तो दैट टाइम अनिल कपूर सेज दैट द कंगना रनावत इज़ द लेडी, कि हाँ मैं कंगना रनावत की वजह से मैं अपनी बीवी को भी छोड़ सकता हूँ। ये अनिल कपूर साहब ने, बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो ऐसे जवाब देते इंस्टेंटली, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा था कि कंगना रनावत के लिए मैं अपनी वाइफ सुनीता कपूर को छोड़ सकता हूँ, और इस वजह से आज भी थोड़ा सा उनके इसमें प्रॉब्लम हुआ है, कहीं पे कुछ ने उन्होंने किसी ने कुछ कहा है कि नहीं अनिल कपूर वाइफ को छोड़ने वाले और डिवोर्स होने वाला है, और ये बल्कि ये खबर सही नहीं है, इसलिए भी बताना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक वक्त था जिसमें कॉफी विद करण में अनिल कपूर ने ये कहा था, ये भी सच है कि कंगना रनौत की वजह से अनिल कपूर छोड़ने वाले थे, एक उन्होंने कमेंट पास किया था कॉफ़ी विद करण में। लेकिन मुझे लगता है कि ये कमेंट तो होते रहते हैं, लेकिन इसको कंट्रोवर्सी बना के कहीं भी जब न्यूज़ मीडिया को या बॉलीवुड न्यूज़ खबर को कोई न्यूज़ नहीं मिलती तो वो इस तरह की पुरानी उठा के डालते हैं, तो मज़ा लेना है ऑडियंस को तो ले सकते हैं इस खबर का, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, स्पेशली बॉलीवुड स्टार्स को, और आपको खबर देखनी है तो आप खबर देख सकते हैं, नहीं देखनी है नहीं दे सकते। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, बॉलीवुड न्यूज़ से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉलिटिकल न्यूज़ से रिलेटेड हो या सुशांत सिंह राजपूत से केस से रिलेटेड हो, मैं ऐसे ही खबर देते रहूँगा।
आपके लिए, सबके लिए। और 21 जनवरी नज़दीक आ रहा है, मैं यही चाहता हूँ कि 21 जनवरी को कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो अच्छा होना चाहिए। मुझे पता है सबके सब बर्थडे ज़रूर मनाएंगे सुशांत का अकेले में ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ बड़ा हो। इट्स टोटली अप टू ऑन द ऑडियंस, टोटली अप टू द SSRian, टोटली अप टू द SSR फैन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।